पिता है कौन विष्णु की माँ शंकर का दादा कौन है हमको दे बता ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर हो अपनात्मा तो जैसे कोई रोगी है डॉक्टर के पास जाता जिसने बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है और उससे कहे कोई कि भाई क्या औषधि दिखाने से रोग नाश हो जाएगा और वो डॉक्टर ये कहे कि भी औषधि दिखाने से रोग तो समान ही हो सकता तो स्वभाविक व्यक्ति पूछेगा फिर औष दिखाने का फायदा क्या और वो ये कहे डॉक्टर पद पर की फीत लाया हुआ व्यक्ति कि औषध खाने से अन्य लाभ हो जाएगा प्रसन्नकर्ता कहेगा भी अन्य क्या लाभ होगा पहलवान बन जाएगा किसी का टीबी हो रही हो है? वो पहलवान बनेगा रोग से वो रोग कटे जब आप पहलवान हो जाएगा वो तो इन बुद्धिहीन लोगों की ये थ्यूरी थी ये विधान था इनका ये तो है अपना अनुभव और ना ये कहते हैं वेदों में ऐसा ही लिखा है मैंने वेदों अनुसार इसका संरचना की है अब वेद क्या बताते हैं वो दिखाते हैं ये देखिएगा यजुर्वेद इसके अनुवादकर्ता भी कमाल की बात है महर्षि दानंद ही है इसके अनुवादकर्ता भी महर्षि दानंद हैं प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा दो बटा पांच महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली चालीस अध्याय है सी यजुर्वेद के सारे के सारे संपूर्ण चालीस अध्याय का अनुवाद महर्षि दानंद सरस्वती ने किया है मुद्र के प्रिंट साफ सेट प्रिंटर पंद्रह सौ दस पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से अध्याय नंबर आठ का श्लोक नंबर तेरह दिखाते हैं आपको ये है अष्टम अध्याय आठम अध्याय और 241 सौ इकतालीस पृष्ठ पे मेरी सिद्धांत का अनुवाद है यहाँ इसकी मूल पाठ है मूल संस्कृत है देव कर्त्य एन से अव्य मनुष्य कर्त्य एन से अव्य पितर कर्त्य एन से अव्य ये सारी संस्कृत है इसका अनुवाद यहाँ किया इन्होंने ये सौ इकतालीस पर हमने पढ़ा अच्छी तरह देख लो कोई नहीं सोचा दूसरा प्रश्न दिखाया गया होगा ये 242 पे यहां इसने क्या कहा है कि हे सब के उत्पाद उत, उपकार करने वाले मित्र आप दान देने वाले के एन से सब देखो हम क्योंकि देवनागरी लिपि हम आसानी से पढ़ सकते एन एस से माने अपराध एन एस से माने अपराध कहो पाप कहो एन एस माने ये स्वयं पाप भी लिख रहा है अपराध कहो चाहे पाप कहो अपराध के विनाश करने वाले हो साधारण मनुष्यों के किए हुए एन एस अपराध के विनाश करने वाले हो विनाश कहो अक्षमा कहो नाश कहो अब यहां इसने थोड़ी सी हेराफेरी कर दी मित्र लिख दिया अपने आत्माओं जो श्रद्धालु सत्यार प्रकाश को पढ़ते हैं उन्होंने ये तो फाइनल कर रखा कि भगवान कुछ नहीं कर सकता पाप नाश नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऋषि दानंद ने वेद वेद निष्कर्ष प्रकाश में लिख दिया तो फिर वो इसको पढ़ने लगे वेदों को उसके अनुवाद को उन्होंने देखा है तो मित्र के बारे में लिख रखा है किसी ने दान नहीं दिया यू यहाँ तो पाप नाश का लिखा है अब पाप मित्र दान करने वाले के पाप के नाश करेगा बता तो भगवान ने का जिक्र है तो इसने इसका भी समाधान कर रखा आनंद जी ने दिखाते हैं अब हम सत्यार्थ सत्यार्थ प्रकाश को पुनः उठाते हैं इसमें से मित्र मित्र शब्द के बारे में उन्होंने क्या कहा है वो दिखाते हैं ये प्रथम समोलास में इसने भगवानों भगवान के नामों का उल्लेख किया है अठारह पृष्ठ पे क्या कहा है इसमें इसने कहा है कि हे सबसे जो सबसे स्नेह करे सबको प्रीति करने योग्य है वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है इससे परमेश्वर का नाम मित्र है अब यह सिद्ध हो गया कि जहां इसने वेदों में मित्र शब्द प्रयोग किया है वो परमेश्वर का बोध है पुणात्माओं जो एक क्रोथा कांड हुआ है ये इसी का परिणाम था कि इनकी पोल खोल दी और दानंद की जो वो महर्षि वाला जो फीत थी वह उतार के दर्दी दास ने पुण्यात्मा एक थोड़ी सी कथा सुनाता हूं यहाँ पर पहले ये कंसेप्ट क्लियर कर दूँ फिर सुनाऊंगा अब ये तो एक बार ना ये क्रोथा कांड जो कारण हुआ था इस दास ने जब सत्यार प्रकाश को पढ़ा देखा वेदों से मेल किया ये सारा फैल पाया वेद परमात्मा को साकार बताओ मनुष्य दृश्य बताओ भगवान को अयो निराकार बताओ वेद एक देश ये बताओ कि एक स्थान पर रहता ही नहीं एक 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 स्थान पर भगवान रहता ही नहीं तो वेदों को समझा कहाँ से इसने अज्ञानी ने और मेरी ऋषि कौन सी साइड तो हो गया यो बड़ा दुख हुआ समाचार पत्रों में लेख लिखने शुरू किए क्रोथा आश्रम से वो इनको पत, इनको पता लगे इनके अनुयायी कहने लगे देखो ये क्या लिख रहा है उन्होंने सब मेल किया तो उन्होंने प्रति उत्तर दिया कि रामपाल को संस्कृत नहीं आती और यह झूठ बोल रहा है दानंद के गुड रहस्यों को समझ नहीं रहा जिस यजुर्वेद अध्याय नंबर आठ के श्लोक मंत्र तेरा के विषय में वो कह रहा है रामपाल उसमें मित्र शब्द लिखा है स्वामी जी ने भगवान के विषय में नहीं लिखा कि भगवान पाप नाश कर देता है फिर दास ने फोटो स्टेट करके भेजी और साथ में ये लिखा कि महर्षि दानंद खुद मित्र सत्यार प्रकाश के प्रथम सोमदास में भगवानों के नामों में से एक मित्र भी कहता है तो यहाँ मित्र का अर्थ परमेश्वर ही होता है अब बुद्धिमान लोग तो समझ गए सचमुच मित्र के पाप नाश करेगा बता भगवान ने क्रिया करे तो कारण ये था कि उन्होंने सच्चाई को दबाने के लिए और कहीं उसके उनके अनुयायियों को भी सच्चाई का पता ना लग जाए तो इन आचार्यों को आनंद वाले इस आर्य समाज के आचार्यों को चंदा मिलना बंद ना हो जाए इनके सत्यार प्रकाश वेद बिकने बंद ना हो जाए इसलिए मिसगाइड करने के लिए जनता का ध्यान पलटने के लिए क्रोथा कांड करवा दिया क्योंकि दुर्भाग्य इस मुख्यमंत्री का जो उसी समय यु आर्य समाजी है हरियाणा का मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ये मुख्यमंत्री बन गया इनका दाव लग गया इसके क्रम बिगड़वा दिए झूठ नहीं बोली जनता को पाप का भागी बना दिया रामपाल गुंडा है बुंडा है वहाँ ये होता है फलाना होता है अब रामपाल ने सिद्ध कर दिया वहाँ क्या होता था परमात्मा ने दया करी वहाँ पर यही होता था जो आज बरवाला में हो रहा है तो अपनी आत्माओं इन्होंने ऐसा जुलम कर रखा है ये इतनी नहीं है किसी जनता के इतिय होते स्वीकार करते भाई सच्चे गलती हो रही और ये है तो और प्रमाण दिखा दिखाया फिर बिना बन देते तो इन जैसे तो दुष्ट हो ही नहीं सकते धरती भाई ये आचार्य कहे के आचार्य है फिर ये जो सच्चाई को जनता से दूर रखने के लिए जुलम करवा दिया हमें जेल भिजवा दिया झूठा मुकदमा बनवा कर और भक्तों को सताया इनका बहुत बुरा होगा इनका अंत में और हम तो आज भी उनके विरोधी नहीं है क्योंकि दास को पता लग चुका है कि ये काल करवा रहा सारा सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं और वो भी मिसगाइड हैं हम उनके हित में ही कह रहे हैं कि वो भी समझे और सच्चाई को स्वीकार करें अपना कल्याण कराएं हम तो उस विधान का पालन करने वाले हैं कि जो तोकू काटा बोए है वाह को बोतू फूल और तो है फूल के फूल हैं उसको है त्रिशूल हम उनका आज भी बुरा नहीं सोचेंगे क्योंकि हमारे भगवान का आदेश है उनकी करनी उन्हें आप मिलेगी लगेगी जिशा उनके रख और भगवान के चरणों में आ जाएंगे तो उनका कल्याण उनका भी हो जाएगा क्योंकि वो उस सब उसी के बच्चे हैं इतनी सी बात अब देखिएगा अब हम फिर आते हैं यजुर्वेद अध्याय नंबर आठ के स्लो मंत्र नंबर तेरह पर जो अष्टमो अध्याय है और ये तेरह नंबर मंत्र यहाँ से स्टार्ट होता है ये तेरह मंत्र है देव कर्त्य एन से एव्यजन मनुष्य मनुष्य कर्त्य एन से वसी कर, पितर कर्त्य एन से एव्य आत्म कर्त्य अनुष्य अनुष्य ओह एव अब दो सौ बयालीस इकतालीस पर है ये मूल संस्कृत अब अनुवाद इनका दो सौ बयालीस पर है अब क्या बताते हैं कि हे सब के उपकार करने वाले मित्र मै दानंद का अनुवाद है यहाँ समझो हे सब के उपकार करने वाले परमेश्वर आप उन्हीं के शब्दों में प्रमाणित कर दिया सत्यार प्रकाश में कि जहां मै ऋषि ने कहा है कि जहां मित्र शब्द है वो परमेश्वर का ही बोधक है तो यहाँ परमेश्वर शब्द पढ़ेंगे क्योंकि डॉक्टर की इक्वेशन को औषधियों के साल्ट को डॉक्टर समझ सकता है कि इन्होंने कौन से कहाँ क्या संकेत किया है साधन समझ जाते फिर टीचरों की आवश्यकता क्या थी गुरुओं की भाई गुरु बिन का किसान गुरु बिन वेद पढ़ है जो प्राणी सार रहे अज्ञानी ये सारे अज्ञानी थे और वेद क्या बता रहे हैं ये अनुभव क्या गए अब देखो अगर ये जरा सी बुद्धि रखता दयानंद जी तो प्रकाश वेदों का इसने अनुवाद किया खुद करने वाला तो प्रकाश में सेट कर देता नहीं इन्होंने केवल लोक वेद को आधार माना जिस कारण से वेदों को भी अनदेखा कर दिया अब इसमें सफेष कर, अपने कर कमलों से लिख रहा है कि परमात्मा पाप नहीं काट परमात्मा पाप भी काट सकता वेद ये कहते हैं और ये सभी ऋषि नकली आपके समझ कर दिया कि प्रारब्ध तब भोगना ही पड़ेगा और पाप क्या की हो प्रारब्ध प्रारब्ध के तो पाप होते हैं जो दुखदायी होते हैं जो संतित वो तो रखे उनको उनकी तो बाद में लिखा होगा देखी जाएगी जब होगा तो अब प्रारब्ध के वर्तमान के पाप से दुख होता है और पाप कट गया तो काटा निकला दुख निवारण पाप कट गया तो दुख सुख हो गया दुख दूर ये सब के उपकार करने वाले मित्र हैं आप यानी परमेश्वर आप देव कर्त से दान देने वाले के अपराध के विनाश करने वाले हो जन्म माने विनाश एन से माने अपराध के मनुष्य से सा, मनुष्य के साधारण मनुष्यों के भी किए हुए अनुष्य अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो अवेजनम पितर करते से पिता कहते बेटा करे कोई भी सत्साध ना करे उसी के एन एस माने ये पाप ही लिखना था अपराध के अच्छे प्रकार दूर करने वाले हो नाश करने वाले हो आत्म करते से अपने किए हुए एन एस माने पाप के एवे माने नाश करने वाले हो दूर करने वाले को हो चाहे विनाश करने वाले को इसी की भाषा में वही शब्द है एवे एन से अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप के भी आप नाश करने हारे हो ओए जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ या करूँ अनजान पड़ने में भी जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ उस सब एन से माने पाप के ये दुष्ट आचरण उड़ा दिया पाप के एन से माने पाप के पाप के नाश करने वाले हो एवजन माने दूर करने वाले हो नाश करने वाले हो विनाश करने वाले विनाश तो यहां इसने ऐसी जगह कुछ अड़ंगा डाल दिया जो आम आदमी समझ नहीं सका अब इसमें कर दिया कि मैं अनजान पड़े में कोई करूं या जानबूझ करूं कोई गलती उसको भी आप माफ करने वाले हो अपने आत्मा हो अब वेद महर्षि दानंद जो है आर्य समाज परिवर्तक वेदों को सत्य मानता है कि इसमें जो लिखा है इसके अतिरिक्त में मानता नहीं वेद सत्य है और इन्होंने इसने पीछे अपना विधान भी लिखा है कि वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक है महर्षि दानंद ने मोर मार रखी है कि वेद में जो लिखा है वो सत्य विद्या है सच्चा ज्ञान है अपने वेद में तो यहाँ तक लिख दिया है कि मैं से अनजान पढ़ा मैं करूँ और जान जा करो आप सारे घोर पाप का विनाश कर देते हो तो खाखे इनका ज्ञान है क्या पढ़े वेदों को तो पुणात्माओं दास के साथ इसलिए संघर्ष हो रहा है कि ये दास एकला साची बोला है अरे झूठ का बोलनी नहीं, नहीं बिना गिनती के झूठ बोले जनता ही निवाधारित हो रही है लेकिन परमात्मा का आशीर्वाद है इस दास के साथ और आपके ऊपर भी नारा आशीर्वाद है कि आपका जन्म इस समय है और आपको ये मूल वस्तु मिलेगी कल्याण होगा अब इसमें वेदों में जो ज्ञान दिया है कि जान क्या करूं और चाहे पड़े में करूं, सारा ही माफ कर देते हो आप जान के कौन से होते? परमात्मा ने धर्मदास साहिब जी से कहा था धर्मदास जी ने बोले कबीर परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप में थे और कबीर साहब ने जब धर्मदास जी के संज्ञान का पर्दाफाश करना क्या किया तो दुख मान गया और कहने लगे हम पाप ना करते हम इंसान नहीं करते जीव इंसा क्योंकि धर्मदास जी ने कबीर परमेश्वर को सोचा था ये मुसलमान है और हमारे देवताओं का जो जो है विरोध कर रहा है जानबूझ के लेकिन परमात्मा साची कहे थे तो तब परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास सत्र ब्राह्मण की है हत्या जो चौका तुम देवो नेता ब्रह्म ब्राह्मण से त्यासो होई जल स्नान करत हो सोई पृथ्वी ऊपर पग जो धारे करोड़ जीव एक दिन में मारे पता फिर इतने पाप तो डेली करने लग रहा है न कोई जीव हिंसा नहीं करता जैसे लिपापोती करते हो पोछे लगाते हो इन मनोजन कितने जीव मरे खेती करता है किसान फाली के साथ ना जाने कितने जीवों के पेट के अंदर से वो निकालता फाली यानी तीखा हथियार जो फाली बोलते हैं उसको तो कहने का जैसे अग्नि जलाते हैं इसमें जीव मरे लकड़ियों में गो उपलों में पोचा लगाते हैं इनमें जीव मरे हम चलते फिरते काम के लिए जाते हैं अपने व्यवसाय के लिए जाते हैं नौकरी के लिए जाते हैं मजदूरी के लिए जाते हैं उनमें जीव मरे तो ये हमें पता है कि ये हो रही है जैसे किसान खेती करता है सप्रे करने पड़ते हैं उसको उसको मालूम है कि ये मेरे फसल में कीट लगा हुआ है इसका नाश करना पड़ेगा ना तो इसको ये खा जाएगा मैं कंगाल हो जाऊंगा और जैसे हम रोगी हो जाते हैं तो हमारे अंदर जो हानिकारक कीटाणु बढ़ जाते हैं ब्लड में उन गोली खाते हैं। उन गोलियों से वो कीटाणु मारे जाते हैं वो जीव है तो यहां वेद का कहने का तात्पर्य ये है कि आपको पता भी है कि ये पाप हो रहे हैं इनको त्याग्या नहीं जा सकता इच्छा कर मारे नहीं बिन इच्छा मर जावे कह कबीरता दास का पाप नहीं लगावे उसको पाप नहीं लगे जान के नहीं मारे जैसे बैठे मकोड़े कीड़ा आ गया उसके नो मारी ईंट को बात हुई है आप चल रहे हो इच्छा नहीं मारने की और मर रहे हैं तो वो आपका बस नहीं कोशिश करे जहाँ तक पैर बचा कर रखा जा रखे तो दया भाव हो तो इसी प्रकार कहा कि ईद के भी जैसे हम प्रतिदिन कपड़ा पहनते हैं ये मेला हो जाता है तो इसका विधान इसका तरीका बता दिया भी साबुन और पानी से ही निर्मल भी हो जाता है तो डेली जो हम साधना करते हैं और ये हमारे ये जीव हिंसा होती है जो ना चाहते हुए होती हैं इच्छा नहीं हमारी तो उनके लिए ये भक्ति साधना इसलिए दी जाती है कि आपका डेली वो पाप जो होते हैं मैल बन गया आत्मा वो साफ होता रहेगा धर्म करवाते हैं दान करवाते हैं और बाकी जो संचित कर्म है और प्रारब्ध के जो कर्म है वो इस सतनाम और सारनाम से आपके नाश हो जाएंगे जब ही नाम हृदय धरो जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को ना से जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराण गासे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं मेरे नाम में इतनी शक्ति है कि जब ही ये सतनाम आपको मिलेगा आपके पाप कर्मों में प्रारब्ध के कर्मों में और संचित कर्मों में ऐसे आग लगा देगा जैसे सैकड़ों हजारों टन सूखे घास में एक माचिस की सीख जला के लगा दी जाए सबको फूक कर सभा करके कर राख बना देगा और फिर चले फिर चलेगी तेज आंधी उसको उठा के पता नहीं कहाँ के कहाँ पटक देगा फील्ड साफ हो जाएगा जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छया प्रेम की पवन करे चतुमंजन फिर के तेज न्यारे कहते हैं फिर इस ज्ञान से भगवान की भक्ति से सिमरण से आपके पाप हल्के हो जाएंगे आत्मा में एक छोटी सी बात पर भी आंसू आने शुरू हो जाएंगे भगवान की चर्चा में तो समझो आपके पाप अब नाश हो लिए जैसे कहते हैं जैसे सूरज के आगे बदरा सूर्य का आगे बादल अड़ जाते हैं ऐसे कर्म छयारे आत्मा और परमात्मा के बीच में ऐसे कर्मों की छाया है ऐसे उनके छाए हुए हैं हाँ आगे और फिर भक्ति करेंगे परमात्मा में प्रेम जागेगा कहते प्रेम की पवन कर मालिक के प्रति तो समझो आपके वो पाप के बादल छट चुके हैं जैसे तेज हवा चलती है बादलों को इधर उधर तितर बितर कर देती है सूर्य फिर साफ दिखाई देता है ऐसे आपके पाप कर्मों के बादल इस सतनाम और इस भक्ति से ऐसे छट जाएंगे फिर आपकी आत्मा में परमात्मा की नैरी कसक पैदा होगी और कहते हैं बिना प्रेम पावे नहीं चाहे करोड़ समादीला भगवान के ज्ञान से और इस भक्ति से आत्मा निर्मल होगी हमारा जो करड़ापन वो खत्म होगा जो हृदय में हमारे पाप जमा होने से हम इतने कट्टर बन गए हैं हम झुकना जानते नहीं हम कोई नेक काम में रुचि रही नहीं तो ये हमारे पाप कर्मों का दुष्प्रभाव है पाप कट जाएंगे फिर आप कति आत्मा हो ही तड़ंगा उड़ा दिया काल ने हमें बुरे बना दिए बुराई खत्म होगी हम भक्त बन जाओगे अपने आत्माओं ये जितने भी संत ऋषि महर्षि, आचार्य और शंकराचार्य अब इनके ज्ञान से देखो पुणात्मा कबीर साहब कहते हैं कहते हैं, खरना हो के हरी कब हूं सिंह की खाल उड़ाए यदि गधे को शेर की खाल उठा दे वो शेर नहीं बन सकता सिंह नहीं बन सकता एक समय एक कुमार ने गुस्ताखी बाही उसने एक बदमाशी सूजी अपने गधे पे और शेर शेर की कोई खाल पा गई सिंग की उसने लाइन की उसने ठालिया साफ सूफ करके और अपने गधे पर डाल दी उसने और रात्रि में गधे ने छोड़ दे खेतों में अब गधाओं अच्छी बड़ी बड़ी खेती को खावे रखवाले जा निकट तो देखे तो शेर आ गया वो छोड़ के अपने स्थान को भाग भाग्या गाँव में शेर आ गया शेर आ गया अब कोई ना आता उन खेतों में रात्रि में सबेरे वक्त से वो पकड़ दिया अपने घर ने खाल उतार के रख दे सारा दिन काम ले और अच्छा खेतर बन गया होगा गुब खा खा खेती के अब किसी ने एक दूसरे मार को पता लग गया कि भाई शेर खेती तो ना खाया करे और उसके सामने उसने सोचा गाँव में आया भी मैं उस शेर ने तो पहचान दूंगा उस शेर की परख करते हैं शेर है कुछ और तो उसने कहा भाई शेर गाँव वाले कहने लगे भाई शेर है हम आख्या देखने लग रहे सिंह है वो तो जू बब्बर केहरी है वो कुमार बोला भाई इसकी परीक्षण करता हूँ मैं मेरा साथ दो गांव वाले कहने लगे हम ना जा भाई रात न वहाँ तो शेर आता है वो कहने लगा तुम तो ऊपर चढ़ दियो वृक्षों पर और मेरे साथ चलो वो दस बीस व्यक्ति उन खेतों के आसपास दूसरी सत दूसरी साइड में जिधर वो शेर था चांदनी रात थी दूर दिखा तो उतरता वहाँ पर खेती खाता हुआ आगे हूँ बाजरा जो भी उसमें फसल थी कुमारने के तीन चार गधे ले गया अपने और वो दूसरी दूर खड़े कर दिए उन्हें सोची कि जब शेर होगा तो भाई अपना देखी जाएगी का कदग दिन खा लेगा और क्या होगा और बाकी चढ़ गए वृक्षों पर अब थोड़ी सी देर में वो गधे जो अन्य ले गया था कुमार वो गया अपनी बोली बोलन हो वो नकली शेर भी उठी हुआ हुई सी वो भी ला गया हो चु हो चु वो उड़े आ लिया थोड़ी देर में उन्ने के पास में अरवा वह खाल उतरगी भाग्या दौड़ा वो खाल उतरगी नीचे गदा का गद्दा वो को मार पीटा अगर तो ना नाश कर दिया निकम हम ड्रा और दिए या खेती तो खाई सो खाई तो पुण्यात्माओं कबीर परमात्मा कहते हैं खरना हो वह केहरी कब हूँ सिंह की खाल उड़ाए ये मैं ऋषि नाम दर्ण तो मैं ऋषि हो जाएंगे अब शेर की और गदे की <laughs> बोली से पता लगे है तो उनकी बोली में बोली मिली सारे की तो पता लग गया शेर की बोली ऐसी होती है गधे कैसी होती है तो महर्षियों के विचार ये होते हैं जो वेद वृद्ध तो पुणात्मा इनकी वाह वाह खाल उतारदीदास ने ये दिखा दिया कि ये महर्षि थे यानी इनकी बोली शेर की बोली और गधे की बोली का निर्णय कर दिया वेद तो शेर की बोली और कबीर परमात्मा और महापुरुषों ने जिनने परमात्मा को देखा और भगवान ने स्वयं आकर बताया वह शेर की भाषा वो तो सत्य है और उसके विपरीत जो ज्ञान दे रहा है वो वह शेर की भाषा नहीं निगत की भाषा है शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनुमान आचरण करते हैं गीता अध्याय नंबर सोलह के श्लोक तेईस चौबीस कहा है उनको ना तो सुख हो ना उनकी गति हो ना कोई सिद्धि प्राप्त हो इसीलिए तो भक्ति करते हैं फिर वो भक्ति करते किस लिए यूजलेस इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य कर्तव्यों की व्यवस्था में कौन से साधना क्रम करने चाहिए कौन से नहीं करने चाहिए वेद ही ही परमाण है, है किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना तो पुण्यात्मा हमने अपने सदग्रंथों को ही पुनः देखना होगा और दास उन सदग्रंथों से ही आपके रूबरू कर रहा है कि ये ज्ञान गलत है इनका आज तक के जितने भी रह ऋषि महर्षि आचार्य शंकराचार्य और संत कबीर पंथी हैं और चाहे दूसरे पंथी हैं उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा सीधे मिले थे और ज्ञान दिया था सतलोक ले गए थे वापस छोड़ा था बाकी किसी के पास भी अध्यात्म ज्ञान नहीं है केवल लोकवेद कथा और विरुद्ध ज्ञान और समाधान उनके पास है जो जनता का हानिकारक है उनका जीवन नाशिक है उसको त्याग दो इसको ग्रहण कर लो इतनी सी बात दास सारे प्रयत्न में करके यही फाइनल करता है आप सभी परमात्मा के बच्चे हो ये संत आचार्य ऋषि महर्षि जो पहले चले गए तो गए उन बाढ़ में उनका तो हो गया नाश जीवन जो वर्तमान में जितने भी बैठे हैं संत हैं ऋषि हैं आचार्य है और शंकराचार्य हैं इनो इनको सोचना चाहिए कि ये दास क्यों इतना बोल रहा है आपके सीधम सीधा कह रहा हूँ तुम्हारा ज्ञान गलत है तुम्हारी साधना गलत है वेद विरुद्ध है गीता विरुद्ध है तो ये ये सांप सूं ज्ञान ने बोलते क्यों नहीं या तो न्यू के रामपाल झूठ रहे है नहीं तो स्वीकार करें हाँ भाई गलत है ताकि जनता जल्दी मान जाएगी उनके कहने से सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि सब सतर्क होंगे कि सचमुच फिर वो देखेंगे सदग्रंथों से मैं दिखा दूंगा ऐसा चीज है भाई अरे अपना भगवान पहचान लेंगे दास का भी काम हल्का हो जाएगा बैठ कर भक्ति क्रिया करेंगे पूरा विश्व नाम लेगा और कल्याण हो जाएगा सबका अपने आत्मा वो संत वो ब्राह्मण जो दुखी था कई संतों के पास भटक कर महर्षि रामानंद स्वामी के पास आया था उन्होंने भी पहले अपनी जंतर मंत्र बताए थे उसको और फिर अंत में कह दिया था कि आपके प्रारब्ध का कर्म है यो भोगना पड़ेगा और कहा परमात्मा ने टोक दिया उनको कि स्वामी जी यदि साधक को अपने पापों का कर्म ही भोगना पड़ गया तो भक्ति की क्या आवश्यकता रही तब तो मैं उस स्वामी रामानंद जी महर्षि ब्राह्मण ने कहा था कि बच्चा ये तो वेदों में यही प्रमाण है और पुराणों में भी यही प्रमाण है सभी ऋषि महर्षि यही कहते हैं कि किया हुआ कर्म तो भोगना ही पड़ेगा अब जैसे एक उदाहरण रह गया बीच में जैसे बृहस्पति जी ने कहा है भाई दुख में भी सुख का अनुभव करना चाहिए बस प्रॉब्लम सोल्व होगी कोई बात है या एक, एक बड़ा विद्वान पाक रहा था और पिंडारा जींद के पास एक पिंडारा गांव है वहां पर आदि गीसा दास साहिब जी के अनुयायी संत रहते हैं दो आश्रम बना रखे उन्होंने उनमें से एक ने सत्संग करवा रखा था वहाँ पर काफी वक्ता बुला रखे थे और ये दास भी वहाँ एक स्रोता रूप में विद्वान था क्योंकि वो संत किसने माना है लाल कपड़े हों दाढ़ी बड़ा रखी हो माला गाल रखी हो या वैसे मुंड मौड़ मुंडा रखा हो तो उनका एक सटेज सी ला रखी थी तकत डाल पांच पाँच चार तकत लगा के उनके ऊपर बैठे थे वे दस बारह तो उनमें से एक उनसे हटकर कुछ ज्ञान दे रहा था वो क्या कह रहा था कि आत्मा परमात्मा का स्वरूप है और जो भी कष्ट शरीर को होता है ये प्रारब्ध का होता है तो वो आत्मा को कष्ट नहीं होता वो तो शरीर को होता है और हम अज्ञानता के कारण हम अपने अपने को कष्ट मान लेते इसलिए दुखी होते जिस दिन आप ये मान लोगे कि जो दुख तुम्हें है ये शरीर का किया हुआ दंड है यह शरीर को कष्ट आत्मा को थोड़ा ही है उसी दिन आप सुखी हो जाओगे अब उसने दो तीन पहले दिन ये वचन करे तो सारे भगत जो श्रोता थे उसके प्रभावित हुए वाह वाह बड़ी अच्छी बात बताई तो अन्य श्रोता डिमोरलाइज हो गए अन्य वक्ता दो उसके साथ बैठे थे वो काफी डिप्रेस हो गए भाई ये बोले ये तो सारे इसके पीछे लग लिए ज्ञान तो नबी साए था दूसरा नबी वो थोड़े से हट कुछ अटपट कर रहा था और कुछ उसकी महिमा बताई जा रही थी कि बड़ा विद्वान है चार विषय का आचार्य है तो आम व्यक्ति और प्रभावित तो होता था इन संस्कृत के बोलनियाँ दिन में फंस रहे थे हम अभी तक तो अगले दिन भी उसने ऐसे ही प्रवचन किए और क्या बोला कि एक दिन मैं चला जा रहा था एक व्यक्ति रोग से चिल्ला रहा था मैंने उसको बैठा उसके पास खड़ा हुआ उसको समझा कि भाई ये जो कष्ट है तेरे शरीर में ये शरीर को है आत्मा को कष्ट थोड़ा ही है तू आत्मा है शरीर नहीं है कहते इतना कहते ही वो चिल्लाना बंद कर दिया उसने अपने आप को समझा और उसका शरीर को कष्ट है रहा रहेगा आत्मा उसने अपने आप को जान लिया कि महात्मा उसका कोई कष्ट रहा नहीं तो अब देखो भोड़ी आत्मा जो श्रोता है वो तो बेचारे संतों की बात ने सारिया ने सची मानते हैं सभी को सच मानते तो बड़े प्रभावित हुए ठीक है तो बात भी सही है बिना ज्ञान के तो सारिये सही लगे हमने अगले दिन तीसरे दिन श्याम श्याम ने सत्संग किया उसने बारह एक बजे तक सत्संग करके वो अपने कमरे में चला गया कमरे दे रखे थे उनको अलग उसी आश्रम में उसके एक बजे सी डेढ़ बजे सी पेट में दर्द हो गया <laughs> वो ब्रह्म आत्मा गए पेट में दर्द हो गया चल रहा की डाल हाय मर गया हाय मर गया अब दूसरे आश्रम में गाडी थी उड़द कार ले मांग के उस आश्रम वाला महंत संत उसको लेकर जींद ले गए प्राइवेट हॉस्पिटल में वांदा खिल कराया वां चार इंजेक्शन लाए तो सुबह आया वो चार हो चार बजे वह पीड़ा खत्म हो गई जब पेट की वापस आया तो गाड़ी आई तो सब उत्सुक थे क्या रहा संत ठीक हो गया कि नहीं तो वो संत दूसरे जो जो नकली तो वह भी थे लाल कपड़े हुए वीर सरोता भी गाड़ी के चारों तरफ आकर खड़े हो गए तो वो संत जो उसके साथी वक्ता थे उनका तो दर्द माये रह रहा था वो कहन लगे बाबा जी ए महापुरुष तू तो आत्मा है तेरे तेरे को कष्ट तो था ही नहीं तू क्यों क्यों डिड्डा रहा था रात को तूने मान क्यों ना लिया मैं आत्मा हूं वह कहता चल चल अपना काम करो कह के अंदर पड़ गया तो पुनः आत्माओ ये है बीजक की बात आ कहे बीजक ना ही हाथ ये पृथ्वी डो बड़ो तेरे कह क मीठी बात अब कहाँ गया उसका उभ्रम्पणा वह कि मैं आत्मा हूँ अपने आप को मान लें आत्मा हूँ फिर दर्द कहाँ है अर् क्यों चल रहा हुआ था तो पुनात्मा हूँ ये बकवादी लोग थे हमने ज्ञान था नहीं इन हमारी रेल बना रखी थी अंडोला बना रखा था सब ने मूर्ख बना बनाकर हमारे दादे पड़दादे नर्क में भेज दिए वो भूत बना दिए उनके के श्राद्ध निकाल लो फिर वो बकवाद करें और पुराण केंद्र ये भी लिखा है विष्णु पुराण में कि श्राद्ध में एक योगी हो यानी सत साधक जो आप हो सारे योगी हो तो गीता जी नंबर दो के श्लोक तिरपन में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञान वचनों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी तब तू योग को प्राप्त होगा तब तू योगी बनेगा भगत बनेगा सही तो आपको पहले दास योगी बनाता है और यहाँ जो दान पुण्य किया जाता है तो आप तो यहाँ हजारों की संख्या में एक महीने में तो लाखों की संख्या में योगी भोजन करते हैं तो आपके पितरों का तुम उदार हो जाएगा विष्णु पुराण में लिखा है कि एक हजार ब्राह्मण बैठे हो शराध जी मनिए और उनके सामने एक योगी बिठा दिया जाना आप ये सत भक्ति युक्त ज्ञान से परिचित कहते ब्राह्मणों का भी उद्धार कर ये जबान और उसके पितरों का भी उद्धार हो तो दास के पास है वो जेडी जो आपके पितरों का भी उद्धार होगा और आपका भी उद्धार होगा ये नकली गुरु ब्राह्मणों का भी उद्धार होगा जो नाम ले लेंगे थे तो अपनात्माओं इन्होंने आज तक हमें सच्चाई से परिचित नहीं होने दिया क्योंकि ये स्वयं भी परिचित नहीं थे इतनी इतने सिद्धम तो प्रसंग चल रहा है कि परमेश्वर स्वयं आते हैं यथार्थ ज्ञान देने के लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर चार के श्लोक नंबर बत्तीस में कहा कि अर्जुन जिन साधनाओं की जानकारी तूने गीता अध्याय नंबर चार के ही श्लोक पच्चीस से लेकर तीस तक सुनी ये सभी साधक कोई तो देवताओं की पूजा करते हैं कोई व्रत रखते हैं कोई योग अभ्यास ही करते हैं कोई स्वाध्याय करते हैं कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रतों का पालन करते हैं कोई तप करते हैं ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं यानी जो साधना जो कर रहा है उसने वो अपनी ने सही मान रहा है कहने का भाव ये फिर बताया है कि चौथे जाए के बत्तीस में श्लोक में सचिदानंद गनबरम ने अपने मुख कमल से ज्ञान बोला है और वो है ज्ञान। उसके अंदर इन यज्ञों की अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है और उस वो है तत्व ज्ञान उसको जानने के बाद सब पापों का अंत हो जाएगा सब प्रकार के पापों से तो मुक्त हो जाएगा वो तत्व ज्ञान है चौथे अध्याय के चौतीस में श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ उनको दंडवत प्रणाम करने से कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे इसे सिद्ध ये तो यह हो गया कि गीता ज्ञान स्वयं भी उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है यदि वह परिचित होता तो ये संकेत करने की आवश्यकता नहीं थी वह एक अध्याय और लिख देता इसने वेद यजुर्वेद अध्याय नंबर चालीस के श्लोक नंबर दस से लेकर तेरह तक भी ये प्रमाण दिया है कि कोई भगवान को जन्म लेकर अवतार रूप में मानता है आने वाला कोई कहता है वो जन्म ही नहीं लेता निराकार बताते हैं वो परमात्मा कैसा है कहाँ है ये जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं उनसे पूछो और वेदों वाला ज्ञान ही गीता जी में है संक्षिप्त रूप में तो कहने का भाव ये है कि इन महापुरुषों को वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो परमात्मा के द्वारा बोले गए मुख कमल से उच्चारित ज्ञान को समझावे तो सचिदानंद गंबरम कौन कबीर साहेब और वो काशी आए थे 120 वर्ष रहे उन्हें अपने मुख कमल से जो वाणी बोली वह तत्व ज्ञान है और उस तत्व ज्ञान को कबीरपंथी भी नहीं समझ सके आज तक डोए भगवान को निराकार बतावे प्रसाद ना कबीर साहब के ज्ञान के विरुद्ध बताते हैं आदि नाम अमर नाम औदुर नाम पातौल्य सब सिद्धु नाम ये उनका सार सबद्र सार नाम और नाम यही है उनका पंथियों का खाकर उनके पास दुनिया डबो दी तो अब तक जो बनी सो बनी अब हमने स्वयं समझना पड़ेगा और उन अज्ञानियों को छोड़ के अपना कल्याण करवाओ दास ने आपसे कुछ लेना नहीं फ्री का मजदूर भेज रखा दास को आपने अब परमात्मा ने आपके लिए और आपकी सारी व्यवस्था करवाते हैं परमात्मा के बच्चों के लिए आपके भाई बहन जो इस ज्ञान से परिचित हो गए हैं वो डिवोट हो चुके मालिक के लिए ऐसी सुविधा आपको शायद घर में नहीं मिलेगी जो यहाँ देता है भगवान अपने बच्चों को और ऐसी सुविधा देकर फिर ऊपर से अमृत की वर्षा करते हैं वो ज्ञान जो खोजे तो नहीं मिला ऋषि मार गए सिर मार के मर गए कबीर साहब कहते हैं नोम सूत उड़ जिया, रेसी रहे जखमार और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उड़ जाए दूजी बार सतगुरु ही इस तत्व ज्ञान को सुलझा जा सके जो नोम सूत उलझ गया एक किलो एक शेर एक किलो सूत उलझ जाना जुलाहे को पूछना कितनी समस्या होती है उसको तो परमात्मा जुलाहे थे जुलाहे की लीला किया करते थे उसी से उदाहरण दिया कि एक किलो ग्राम सूत उलझ जा कच्चा धागा टूटे तो गाँठ पड़े गांठ पड़ जाए तो जो यजमान है जिन जिनका कपड़ा बुनना आया है वो पैसा दे नहीं एक भी बुनाई का अगतु तूने गांठ लगा दी मेरे कपड़े में तो उसको सुलझाना पड़ता था और सारा सारा दिन लग जाता था एक किलो सूत को सेट करने में उलझे हुए को तो इन्होंने काल ने तो नौमन सूत उलझा रखे भक्ति का अध्यात्म मार्ग का तो कबीर साहब कहते नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार सतगुरु ऐसा सुलझा दे उड़ दूजी बार तो दास बेज रहा क्या आत्मा सतगुरु बना गए परमात्मा के ज्ञान से और ये ऐसा सड़ जा दिया इस कलयुग में भी अध्यात्म ज्ञान ज्ञान नहीं उड़ जाएगा कोई भक्ति करियो हो चाहे ना करियो बाकी तो मालिक का आदेश है सभी करेंगे पूरे विश्व में ये ज्ञान जावेगा अब थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको कि तत्व ज्ञान जो सचिदानंद ब्रह्म की मुख कमल से उच्चारित है वो तत्व ज्ञान है और वो तत्व ज्ञान उस परमात्मा जैसे वेदों में प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक में नर आकार है राजा की तरह देखने में राजा की तरह है वो नीचे आकर के अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान देता है दृढ़ भक्तों को मिलता है आपको दिखाते हैं अब हमने भगवान को पहचानना है हमने हमने परमात्मा को पहचानना है कि हु इज गॉड परमात्मा कौन है कैसा है और कहाँ प्रमाण है जो हम बता रहे बगैर प्रमाण के तो आज तक हम सब की बातों पर विश्वास कर ही रहे थे पर अब हम बिना प्रमाण मानने नहीं कति भी किसी की बात को क्योंकि हम दूध के जड़े हुए हैं और छाछ को भी फूकेंगे तब हम बचे रहेंगे तो अभी तक जो ज्ञान हमें मिला सारा अज्ञान प्राप्त था अब परमात्मा को पहचानेंगे परमाणु से देखेंगे और जानेंगे फिर हम भगवान पालेंगे भगवान का पाना तो बिल्कुल आसान है कुछ भी नहीं करना एक मंत्र आपको दिए जाएंगे दैनिक क्रिया करते हुए इनका जाप करना है सत्संग सुनना है और परमात्मा के लिए सत्संग में भी आना है और पुन करने ही होते हैं तो धर्म धार्मिक व्यक्तियों के पहले लक्षण है पहले भगवान मिल जाएगा और दान दिए धन घटे नहीं परमात्मा कहते हैं दान से धन नहीं घटा करता चिड़ी चौच भर ले गई नदी ना घट्यो नीर और दान दिए धन घटे नहीं कह रहे साहेब कबीर यानी परमात्मा अपने आदेश दे रहे हैं कि जो इस शास्त्रानुकूल साधना के अनुसार दान देगा गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान गुरु बिन दोनों निष्पल हैं चाहे पूछो वेद पुराण यानी कुपात्र को दिया हुआ दान सफल नहीं होता सुपात्र यानी गुरु के द्वारा दान करे फिर देखो कैसे ना फलेगा आदि इस परमात्मा का वो तो करते ही करते हैं। अब आपको दिखाते हैं भगवान कैसा है कहाँ है और अभी आपने महर्षि दानंद के विधान को पढ़ा सत्यार प्रकाश में कि भगवान निराकार है हरुनी के इन इंजीनियरों के द्वारा किया गया अनुवाद है आर्य समाजियों का आर्यमा परमात्मा स्पष्ट लिखा है कि राजा के समान देखने योग्य है और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा है। आदनी गरीबदास साहिब जी ने देखा तो उन्होंने कहा कि अर्श कुर्स पर सफेद गुमट है जहां परमात्मा का डेरा फिर कहते हैं सवेद छत्र सिर मुकुट विराज सिर पर सवेद छतर है मालिक और मुकुट है देखत ना उस चेहरे नु तुम सत साधना नहीं करते परम संत मिले नहीं तो तुम उस चेहरे को उस परमात्मा के उस स्वरूप को नहीं देख पा रहे हो जिसके सिर पे मुकट है और ऊपर छत्र है सिंहासन पर विराजमान है अरस कुरुश पर सफेद गुमच है गुमट है जहाँ सत जहाँ परमेश्वर का डेरा सतलोक में और वही वेद बताते हैं वही वेद बताते हैं वही आंखों देखा वो महापुरुष बताते हैं जिनको भगवान अपने स्थान पर लेकर गए थे वापस छोड़ा था और वही परमात्मा स्वयं बताते हैं फिर ताशा तो समझ में आ जाएगा कैसा है भगवान अब देखिए वेद ऋग्वेद नौ और दस मंडल इकट्ठे ही अनुवादित है इसके ये अनुवाद कर रखा है ये देखिएगा प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा मैर सिद्धांत भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली अनुवाद करता यह है मुद्रक प्रिंस पंद्रह प्रिंटर्स दस पटोल दिया हाउस दरियागंज नई दिल्ली से अब इसके ऋग्वेद मंडल नंबर नौ सूक्त नंबर छियासी का और मंत्र नंबर छब्बीस सताइस लेते हैं हम पहले ऋग्वेद मंडल नंबर नौ सूक्त एटी सिक्स छियासी का मंत्र छब्बीस इसमें क्या किया है कि यज्ञ करने क्या अनुवाद किया है इन्होंने खुद अनुवाद कर समाज के आचार्यों ने और जो भगवान को निराकार बताते हर वेद क्या बताते तो इन खाक जाना वेदों का और फिर न्यों राम के रामपाल झूठा प्रचार करे है मैं ऋषिदानंद का वाह भाई वाह झूठे को झूठा कह दिया इसमें क्या को प्रचार हो गया सच्चाई का है देखो ये खुद अनुवाद कर रहे हैं कि यज्ञ यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए हम सबी मंत्र पढ़ रहे हैं यज्ञ करने वाले यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान साधना करने वाले यजमान माने साधकों यानी भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को यानी संकटों को मर्दन करता है नाश करता है उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा अब देखो इन्होंने इसका अर्थ सर्वज्ञ कर दिया कबीर का ये देखो ये है कबीर हम कबीर बोला ब कबीर हम वेदों को वेद बोलते हैं या कबीर इसको इन्होंने संधि छेद कर छेद करके ऐसे लिख दिया और अर्थ कर दिया सर्वज्ञ यह लिखना था वो कबीर देव कबीर देव देव माने परमात्मा कबीर भगवान विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है अब ये कंसेप्ट क्लियर कराएंगे इसको देखेंगे कि कबीर माने कबीर देव होना चाहिए यहाँ पर कबीर साहब भगवान की महिमा चल रही है और भगवान की महिमा में कबीर शब्द है तो कबीर देव ये कवि मान लो कबीर देव लिख दो ये कबीर देव हम कबीर देव कहते कबीर ये कवि मानने हैं तो यहाँ अगर अनुवाद सही करेंगे इसका तो कबीर देव लिख दो जैसे यजुर्वेद है अपनात्मा आज हमने कंप्यूटर ही बना लिए ऐसे ऐसे जटिल प्रश्न हल करते हैं हमारे बच्चे बेटी बेटियां बच्चे तो ये तो कुछ भी कोय तो आपके लिए समझण में वो तो एक दो रोटी के लिए माथा पिछाई सोलह साल करते हो अरे यहाँ दो मिनट में समझा देगा ये दास आपको सारी बात समझ में आ जाएगी भगवान पावागे सतलोक चलेंगे अब सारा पढ़ लिया बीस साल बालक पढ़ा दिया है पंद्रह सोलह वर्ष पढ़ा फिर मृत्यु हो जा बालक की बता गया पढ़ा पढ़ा अरे ये ये किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं हो सकता जो दास बताने जा रहा है कहते हैं कबीर कमाई आपनी कदे ना निष्पल जा और सात पड़ो मिले आगा हुआ ये जो साधना दास आपको देगा कभी व्यर्थ नहीं हो सकती आपकी एक सांस भी खाली नहीं जा सकता इसकी कमाई मिलेगी वहां पर अब देखो ये दुर्वेद ये महर्षि दानंद का ही अनुवाद है आर्य समाज वालों का ये यजुर्वेद और प्रकाशक वही सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि निधि सभा दो बटा पांच महर्षिदान भवन रामलीला मैदानी दिल्ली से दान सरस्वती सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है प्रिंस ऑफ प्रिंटर्स प्रिंट पंद्रह सौ दस ही प्रकाशित छपा है इसके छत्तीसवें अध्याय को आपको दिखाते प्रथम मंत्र में यह है यजुर्वेद और सट त्रीस अध्याय छत्तीसवाध्याय है इसके प्रथम मंत्र में यजु शब्द यजू है रचम वाचम प्रबधे मनो यजु प्रबधे प्रपधे श्याम प्राणम प्रबदे चक्षु स्रोत्र प्रबधे ये यजु शब्द लेना हमने इसका अर्थ क्या किया महर्षिदानंद ने यहाँ देखना ये किया है यजु का अर्थ यजुर्वेद किया बिल्कुल सही लिखा यदि इस यजु शब्द का कोई अर्थ तो बनता है यजु माने साधना परमात्मा से मिलने वा, मिलाने वाले मंत्र इसका कुछ अन्य अर्थ कर देते तो ये कैसे पता लगता कि मेहमा यजुर्वेद की है उस बुक की है यजुर्वेद अनिवार्य था जबकि ये क्या ये, 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 ये सही अनुवाद है और इसका अर्थ करते जैसे यहाँ कबीर देव कवि होता तो लिखना चाहिए था कबीर देव अगर उसका अर्थ दें तो कैसे पता चलेगा वो परमात्मा कौन है जो ये लीला करता उसका नाम क्या है तो ये कवि ये कबीर देव लिख देते कबीर देव हम उसने कबीर पढ़ाए हैं कबीर वह को वह वै बोलते हैं हम इसलिए अब भ्रंश करके उसको कबीर साहब कह लागे देव मन साहब को राम को गौडल्ला को खुदा को तो अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर नौ सूक्त नंबर छियासी के मंत्र छब्बीस पर अब हम यजुर्वेद रख दिया ऋग्वेद उठा लिया और ये भी इन्हीं आर्य समाज के आचार्यों द्वारा आर्य ये समाजियों द्वारा अनुवाद है ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 26 मंडल नंबर 9 सूक्त छासी का ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त छासी का मंत्र 26 क्या लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा यानी साधना धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता उसके रास्ते खोल देता है उनके विघ्नों को यानि उनके संकटों को मर्दन करता है नाश करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव यह लिखना चाहिए था कबीर देव कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है अच्छी आत्मा को मिलता है फिर देखना ऋग्वेद मंडल नंबर नौ सुख छियासी का मंत्र छब्बीस पढ़ दिया सताइस में जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है अब इसे क्या सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा तीसरे धूलोक यानी उस तेजो में सतलोक के तीसरे पोर्शन में तीन विभाग हैं सतलोक के आपको बहुत बार बताया है बाह्य क्षेत्र में बाग बगीचे हैं झरने बह रहे हैं सुंदर हीरे पन्नों के वहाँ पर जैसे यहाँ पत्थर के पहाड़ हैं वहाँ हीरे पन्नों उनके हीरों के पहाड़ हैं और वहाँ फल फलदार वृक्ष हैं सदाबहार वृक्ष हैं और दूसरे भाग में नर और नारी ऐसी सृष्टि है जैसे आपकी यहाँ पर लेकिन शरीर वृद्ध नहीं होता वह मृत्यु नहीं होती कोई दुख नहीं कोई अभाव नहीं कोई रोग नहीं किसी प्रकार का और तीसरा जो पोर्शन है उसमें केवल हंस आत्मा रहती हैं जो ओनली नर रहते हैं और उसके उसमें एक स्थान है जहाँ परमात्मा स्वयं विराजमान है गुमज है राजा के समान बैठे हैं वहाँ पर परमात्मा सिंहासन के ऊपर पे मुकुट है सवेद छत्र है बहुत बड़ा आलिशान उनका मकान है परमात्मा जा रहे हैं अब ये तो स्पष्ट कर दिया कि वह परमात्मा तीसरे धूलो के तीसरे पृष्ठ पर तीसरे स्थान पर विराजमान है तीसरे पोरसन में और ये आर्य समाज और ये इसके परिवर्तक महर्षि दानंद क्या कहते हैं झलक फिर दिखा दूं ये सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दानंद का अनुवाद है ये अनुभव है ये निराकार बताता है भगवान को ये कहाँ से छपा है पुणात्मा इनकी पाल्य से ना उतरे जितने आपका समझ में ना आवे अब सचमुच ये इतने अनजान थे अज्ञानी थे असली और नकली नोट साथ साथ दिखाए जाएंगे तभी हम समझ पाएंगे ये कहाँ से प्रकाशित है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दान मठ गोहाना मार्ग तक से इसके देखिएगा ये आपने पहले ही पढ़ा था फिर देख ली सप्तम सब, सम्लास में ये सप्तम समल्लास सत्यार प्रकाश के एक सौ चम्बन पृष्ठ पे प्रश्न किया किसी ने ईश्वर साकार है निराकार मै सिद्धांत कहते हैं परमात्मा निराकार है स्पष्ट हो गया अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद इन्हीं के नारिय समाधियों का अनुवाद है ये ऋग्वेद अर्पणात्मा अगर दास इसका अनुवाद करता और आपको बताता तो ये अवश्य भ्रमित कर पहले कह रहे थे रामपाल संस्कृत नहीं आती तो इनका फिर दाव लग जाता आम आदमी ये समझ लेता भाई संस्कृत तो जो तो जानते हैं वही समझ सकते हैं ये अभी थोड़ी सी कमी त्रुटी आपका जरूर रह जाती है कितने न है तो वह बिना छोड़ी भगवान ने इन इंजीनियरों द्वारा ही करवा दिया अनुवाद इनकी बुद्धि बुद्धिवा पत्थर घेर दिया जब ये साचे श्लोक परमात्मा ने अनुवाद करवाया परमात्मा क्या नहीं कर सकता जीव का क्या औकात है चोर चुरावे है तो पानी में वह गड्ढे वह ऊपर सच्चाई छीना अब फिर देखो ये हमने फिर ऋग्वेद मंडल नंबर नौ दस उठा लिया और इसके अनुवाद करता यही ये, ये प्रकाशक भी वही है ये अनुवाद करता मुद्रक प्रिंस ऑफ प्रिंटर्स प्रिंटिस्ट पंद्रह सौ दस हाउस हिरांग नई दिल्ली से अब हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सौ का मंत्र छब्बीस सत्ताईस पढ़ लिया सत्ताईस में हमने पढ़ा कि जो परमात्मा ध्यूलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है विराजमान है इसे से दोगा भगवान एक स्थान पर रहने वाला एक देशीय है और वहां से गति करके आता है यहाँ देखना अब ऋग्वेद इसी मंडल नंबर बयासी का मंत्र एक और कतिक स्पष्ट कर देगा मंडल नंबर नौ बी ऋग्वेद का और मंत्र एक सोम माने सर्वोत्पादक प्रभु सब की उत्पत्ति करने वाला प्रकाश रूप सद्गुणों की वर्षा करने वाला और पापों का करने वाला मैं ऋषि के पाप का काट नहीं सकता और वेद कहते हैं पापों का हरण करने वाला वह राजीव राजीव राजा के समान ये देखो दो सौ उनहत्तर रुपये पड्डा हमने कहते नहीं, नहीं सोच प्रश्न बदल गया होगा अब दो सौ सत्तर पर, राजीव के राजा के समान यहाँ तो लिखा राजा के समान राजा के यहाँ आ गया समान राजा के समान दर्शनीय है देखण जोगा है साकार है राजा के समान सिंहासन पर बैठा है और वह पृथ्वी आदि लोकलोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ मिलता है उसको प्राप्त होता है दृढ़ भक्त अच्छी आत्मा को जो दृढ़ भक्त है जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है अब देखियो फिर क्या किस उद्देश्य लेकर आता है हे परमात्मन उद्देश्य करने उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बहुत तीव्रता से हमारे अध्यात्म यज्ञ को प्राप्त होते हो आप कबीर देव हैं वो सिद्ध कर दिया था आप कबीर देव हैं आप कबीर साहब हैं शुद्ध स्वरूप हैं हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा हमको सुख दे आत्माओं मोती मुक्ता दर्शत सतना ही ये जग है सब अंदरे। दिखत के तुन चुम इनका फिरा मोतिया बंदरे। ये कहाँ थे मैं ऋषि विद्वान और गुच्छामी गुछामी, गुछामी संस्कृत ने गोटे बैठे थे न का पता नहीं वेद क्या बताते हैं भगवान साकार है नर आकार है राजा के समान देखने में है वहाँ पर एक स्थान पर रहता है ये निराकार बताते हैं आर्य समाज के आचार्य और मैं ऋषि और परमात्मा किसी लोक में नहीं रहता तो खाक विद्वान था ये क्या जाना इनको इन्होंने वे, वेदों को अपनात्मा उसमें एक प्रसंग आया है कि वो परमात्मा वहां से चलकर आता है और ऐसे आता है जैसे आकाशीय बिजली एक सेकंड में आ जाती है कैसा गजब का उदाहरण दे रखा है कि जैसे आकाशीय बिजली बादलों वाली किसी वस्तु को आधार बनाकर उस पर अट्रैक्ट होती है उसी पर गिरती है जैसे पहले पुराने समय में काशी की थाली वार दी बेले होते थे धातु के तो वर्षा के दिनों में हमारी माताएं उठाकर अंदर रख देती थी हमारी दादी कहती थी कि काशी धातु की कोई भी वस्तु बाहर नहीं रहनी चाहिए उस पर बिजली गिरती है उसका अट्रैक्शन होता है उसके ऊपर धातु पर तो यहाँ वही प्रमाण दिया है कि वो जैसे आकाशीय बिजली किसी वस्तु का आधार बनाकर उस पर अट्रैक्ट होकर आती है ऐसे ही वो परमात्मा उन पुण्यात्मा अच्छी आत्मा दृढ़ भक्त हैं जो उनको मिलते हैं ऐसे आते हैं जैसे उन पर आकर्षित होते हैं वो किन किन को मिले आदरणीय धर्मदास साहिब जी बागढ़ वाले को आदरणीय मुल्कदास जी आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक को आदरणीय दादू साहिब जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव चुरानी जिला दद्दर वाले को हरियाणा वाले को जो दृढ़ भक्त थे आदनीय गीसादास साहिब जी गांव गाँव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को ये तो दास के नोटिस में किन महापुरुषों को वो सीधे मिले और ये ऐसे दृढ़ भक्त थे इन्होंने परमात्मा से जो ज्ञान ग्रहण किया लिख दिया लेकिन बताया नहीं किसी को परमात्मा ने कहा था धर्मदास मेरी लाख दोहाई ये तत्व ज्ञान की तबार ना जाई धर्मदास मेरी लाख दोहाई ये सार शब्द सतनाम की तबार ना जाई और सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढी हंसनी तेरही नकलियां का हाथ लग जाता ये ज्ञान और ये समाधान ये मंत्र तो आज दास कैसे बिनता बताता कि ये नकली हरियो असली मारे गए वेदों और गीता और पुराणों के अनुसार तो परमात्मा ने इन महापुरुषों से कहा था कि तुम दृढ़ वो दृढ़ भगत थे नानक साहिब जी ने पूरे सिख समाज को नहीं बताया वो मंत्र दो अक्षर का स्वयं जाप करते थे उनकी जन्म साखी में समुन्द्र की साखी में प्रमाण है और वही प्रमाण गरीबदास साहिब जी कहते हैं वही दो अक्षर का मंत्र सतनाम है वही धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने दिया कबीर साहब सागर में आपको दिखा के उस पर ये जाप वो करते थे लेकिन उन्होंने आगे धर्मदास जी धर्मदास जी तो थो थोड़े से नरमात्मा के थे परमात्मा उसके साथ रहे लिखवा दिया कबीर सागर में सारा लेकिन उनको आगे अपने वंशजों को भी वो नाम नहीं देने दिया केवल पहले मंत्र के पांच नाम दिया करते थे कबीर परमेश्वर ने स्वयं गिरि धर्मदास जी के लड़के को उनके सतलोक गमन करवा दिया उनको धर्मदास जी को पुनात्माओं ये बड़े गुड हैं एक दिन के सत्संग में सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते दास चाहत नहीं हुआ इक्के दिन में सारे उलेट दू आपके ऊपर दूध की बौछार कर दू अमृत की पर कैपेसिटी होती है प्रत्येक की आपके सुनने की भी बैठने की भी तो कहने का भाव यह है कि धर्मदास जी ने भी वो नाम किसी को नहीं बताया कबीर साहब ने उसको सख्त हिदायत दे दी और साथ रहे क दे डगमग सा था थोड़ा सा नर्मात्मा का उनके पुत्र को स्वयं नाम दिया धर्मदास से नहीं देने दिया चूड़ामणि को परमात्मा कबीर जी ने और केवल पहला मंत्र दिया पांच नाम का किया करिए और फिर परमेश्वर ने कहा था कि ये पांच नाम भी छठी पीढ़ी में खत्म हो जाएंगे तेरे कौन से पांच नाम जो दास आपको देता है प्रथम मंत्र में ये ये नहीं रंगकारों का और ज्योति निरंजन ये नहीं ये और मंत्र है तो छठी पीढ़ी में इस धर्मदास जाली वाली वंशजों की पीढ़ी में किसी ने भ्रमित कर दिया उस छठी गद्दी वाले को महंत को क्या बात तो करते हो सतलोक और सतपुरुष की नाम देते हो इन देवताओं का ये कोई मंत्र है तो उन्होंने उसने क्या किया उस कबीर सागर में तो एक पूरी आरती याद करवा दी आदि नाम अमर नाम पातौले सुधु नाम अब सारा पंथ उसने बंडा है और वो कख नहीं उनके पास तो वो पूरा कम्पलीट कोरिश दास के पास है आओ और अपना कल्याण करवाओ बोलो सतगुर देव आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट डब्ल्यू संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें एट टू 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 880541.